उत्कृष्ट मानव सेवेबद्दल महाराष्ट्राची चमू पारितोषिकाने सन्मानित. मानव अधिकार रक्षा समिती एवं मानव उपभोक्ता कल्याण समिती यांच्या 17व्या वार्षिक स्थापना दिनाचे औचित्य साधून दिल्ली येथील गांधी शांती प्रतिष्ठान सभागृह येथे वार्षिक संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माजी पंतप्रधान स्वर्गीय पी व्ही नरसिंहराव यांचे नातू टी जितेंद्रराव तथा आर के जैन उपस्थित होते. मानव हितार्थ उत्कृष्ट व समाजहिताचे कार्य केल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्याच्या चमूने प्रथम क्रमांक पटकावला. सदर पुरस्कार टी जितेंद्रराव यांच्या हस्ते देण्यात आला. यावेळेस महाराष्ट्र मानव रक्षा एवं उपभोक्ता समितीचे प्रमुख पदाधिकारी स माधुरी पाठक, एम एच भंडारी, नौशाद शेख, सचिन कोंडावार, देवानंद ठाकरे, रियाज खान, सौवंदना अंबादे, सौनम्रता भंडारी, अजमिना खान, मोनिका कोंडावार, अंकित ठाकरे, आयुष कोंडावार, ऋषी कोंडावार, तिरुपती गोमासा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. सचिन कोंडावार, हुगुस. नई दिल्ली गांधी पीस फाउंडेशन भवन में मानवाधिकार रक्षा समिति की ओर से 17वां वार्षिक सम्मेलन प्रोत्सव का दिनांक 19 अप्रैल को रखा गया. उसमें सर्वोपरि जैन सर ने पूरा कार्यक्रम की तैयारी की, साथ ही राष्ट्रीय टीम ने साथियों उस एनुअल डे फंक्शन में मानव अधिकार रक्षा समिति की तरफ से महाराष्ट्र को प्रथम पुरस्कार दिया गया, जिसमें महाराष्ट्र के जितने पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य है और जो वहां पर एनुअल डे फंक्शन उपस्थित है, चंद्रपुर, रुकबूस और बल्लाशा के टीम, सभी का मैं धन्यवाद करता जो वहां सहयोग किए और महाराष्ट्र को प्रथम क्रमांक दिए. साथियों यह प्रथम क्रमांक गत 3 वर्ष से गुजरात के टीम को मिल रहा था, इस बार पहली बार महाराष्ट्र को दूंगी, इसलिए सभी पदाधिकारियों में धन्यवाद करता हूँ. वहां पर महाराष्ट्र की अध्यक्ष सौ माधुरी पाठक थे और प्रदेश के सचिव के नाते मैं भंडारी उपस्थित था. साथ में हमारे साथ नागपुर की टीम पांडे सर की भी थी और उस कार्यक्रम सफल बनाने में वहां पे जो भारतवर्ष से आए सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद और जैन सर का भी धन्यवाद जो हमारे पे विश्वास करके हमको कार्यभार दिए और साल भर में हमने